हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि इंस्टाग्राम में एचडी क्वालिटी में फोटो को अपलोड कैसे करें। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप लोगों को सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चले फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। जैसे ओपन कीजिएगा यहां पर इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा फोटो यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अपलोड करने के लिए फोटो यहां पर देखिए नीचे में प्लस वाला चिन्ह दिखेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा और उसके बाद फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। शुरू में ही देख सकते हैं ये सब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, स्टोरी रील्स ये सब आप लोगों को करना कुछ नहीं पड़ेगा, पोस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कर लीजिए गैलरी में देख सकते हैं आ जाएंगे। यहां से आप लोग अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जांपल के लिए कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मेरा ये वाला फ़ोटो है, इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सेटिंग करने के लिए ऊपर में देख सकते हैं थोड़ा कट रहा सी तरफ, तो इसको आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सेट कर लीजिएगा, इस तरह से ऊपर नीचे करके सेट कर लीजिएगा, फोटो आप लोगों का नहीं काटेगा। उसके बाद इस तरह से हो जाने के बाद ऊपर में देख सकते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर दिया हुआ है, ये सब भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत सारा फिल्टर दिया हुआ है, ये सब भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं एचडी क्वालिटी में यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो देखिए नीचे एडिट वाला ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर बहुत सारा एडिट करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, कलर सेचुरेशन सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्या है, एचडी क्वालिटी में आप लोगों को सेव करना है, अपलोड करना है। तो उसके लिए देखिए लास्ट में शार्पनेस वाला ऑप्शन में इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग अभी यहाँ पर शार्पनेस को जितना बढ़ाएंगे आप लोगों का फोटो उतना खिलेगा और उतना दिखेगा, ठीक है, साफ सुथरा दिखेगा। तो इस तरह से आप लोग एक बार एडजस्ट कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो आप लोग 50% रखिएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देख सकते कितना क्लियरिटी आ गया, ठीक है, 50% में। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा और उसके बाद अपलोड करेंगे ना तो आप लोगों का फोटो पूरा एचडी क्वालिटी में अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे आप लोग यहाँ पर गाना उना लगाते हैं तो आप लोग गाना लगा लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग कर लीजिएगा, कर लेने के बाद देखिए राइट चिन्ह दिखेगा, आप लोगों को राइट चिन्ह में क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद ऊपर में देख सकते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरह से आ जाएगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर लिखते हैं कुछ फ़ोटो के बारे में, तो उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा कुछ भी, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख लेता हूँ, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लिख लेने के बाद ऊपर में देख सकते ओके वाला ऑप्शन है और नीचे शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दीजिएगा आप लोगों का फोटो एचडी क्वालिटी में यहां पर अपलोड होके यहां पर देख सकते आ जाएगा। देख सकते पूरा फुल एचडी में आप लोगों का यहाँ पर आ गया, 4K में। आप लोगों के बाद ट्राई कीजिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, आ जाने के बाद आप लोग देख सकते। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।